दोस्तों, जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमको एक चीज पढ़नी होती है कि हाइड्रोजन बम कैसे बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन बम बनाने के लिए हमको एक टेम्परेचर की जरूरत होती है जो कि है 10^7 डिग्रीज। 10,00,000 डिग्री से ज्यादा हमको हाइड्रोजन को गर्म करना होता है, तब जाकर उसमें इतने सफिशियंट वाइब्रेशन आते हैं कि वह कंबाइन होकर हीलियम बन जाए। और इस प्रोसेस में काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, इसको हम हाइड्रोजन बम कहते हैं और इसको हम हाइड्रोजन फ्यूजन भी कह सकते हैं। इसके लिए हमको हाइड्रोजन को काफ़ी ज़्यादा गर्म करना होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन लाने होते हैं, इतने कि वह कंबाइन होकर हीलियम में बदल जाए। नॉर्मली क्या होता है, जब दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आते हैं तो उन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है और वह कंबाइन होकर हीलियम नहीं बन पाते क्योंकि उनके बीच में सफिशियंट वाइब्रेशन नहीं है। अब जब हम हाइड्रोजन को हीट करते हैं तो उनमें वाइब्रेशन होते हैं, और ज़्यादा हीट करते हैं तो और ज़्यादा वाइब्रेशन होते हैं, और ऐसा करने पर उनके बीच का डिस्टेंस कम होने लगता है। और जब हम उसको काफ़ी ज़्यादा हीट कर देते हैं, कितना हीट कर देते हैं, 10^7, क्योंकि हमको पता है कि सूरज में भी यही सेम काम हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, तो हम भी यह चाहते हैं कि हम भी टेम्परेचर को 10^7 ले जाएं, उनको फ्यूज कराएं और उसमें से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी से हम पानी को स्टीम बनाएं और उससे अपने टरबाइन चलाएं और इसी तरह इस एनर्जी का अलग अलग जगह पर यूज़ करें। और यह एनर्जी बिल्कुल क्लीन होगी क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती। यह एनर्जी का बेस्ट सोर्स है और बेस्ट कौन यूज़ करता है, नेचर। नेचर को जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वह इस सोर्स का यूज़ करता है। लेकिन हम भी इसका यूज़ करना चाहते हैं, इसके लिए हमको हाइड्रोजन को हीट करना है, यह बात हमको पता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हमको हीट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। पहला, हमको एक ऐसा सोर्स चाहिए जो उसको हीट करे। जैसे हमको पानी गर्म करना है, उसको 100 डिग्री गर्म करना है, तो उसके लिए हम उसको गैस पर रख देते हैं जिसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, तो वह पानी को 100 डिग्री तक गर्म कर देती है। तो हाइड्रोजन को गर्म करने के लिए हमको एक ऐसा सोर्स चाहिए जिसका टेम्परेचर 10^7 डिग्री से ज़्यादा हो। तो इसका आंसर क्या है, इसके लिए हम एक एटम बॉम्ब चलाते हैं। हाइड्रोजन को एक जगह इकट्ठा करते हैं और वहाँ पर एटम बॉम्ब चला देते हैं और उस एटम बॉम्ब का टेम्परेचर 10^7 डिग्रीज तक आ जाता है। तो उस पर्टिकुलर स्पेस में टेम्परेचर कितना हो जाता है, 10^7। लेकिन वहाँ पर किसको मौजूद होना चाहिए, हाइड्रोजन को। अब दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर हमको किसी चीज़ को गर्म करना है तो उसके लिए हम उसको किसी कंटेनर में गर्म करते हैं, किसी बर्तन में गर्म करते हैं। तो अगर हमको हाइड्रोजन को गर्म करना है, उसको 10^7 डिग्रीज तक गर्म करना है, तो उसके लिए हम उसको किस में गर्म करेंगे, क्योंकि जिस भी कंटेनर, जिस भी बर्तन में हम उसको गर्म करेंगे, जैसे ही उसका टेम्परेचर 10^3 10^4 तक पहुँचेगा तो वह बर्तन या वह कंटेनर खुद भी पिघल जाएगा, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर हो जाएगा कि वह कंटेनर जिस भी मटेरियल से बना होगा वह पिघल जाएगा और वेपराइज हो जाएगा। हाइड्रोजन को 10^7 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए हम उसको रखेंगे किस में, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन को आखिर किस में रखा जाएगा कि वह 10^7 डिग्रीज तक गर्म हो जाए और गर्म होकर कहीं जा नहीं पाए, एक ही जगह पर स्टोर हो जाए, क्योंकि अगर वह हवा में फैल जाएगा तो वह आपस में कंबाइन नहीं हो पाएंगे और यह प्रोसेस रुक जाएगी। तो इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का सहारा लेते हैं। इसके लिए हम दो मैग्नेट लेते हैं और उनको एक दूसरे के पैरेलल रख देते हैं थोड़ी दूर डिस्टेंस तक। उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के पास स्ट्रांग होती है और बीच में पहुँचते पहुँचते थोड़ी वीक होने लगती है। अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को गर्म करते हैं। हाइड्रोजन को तब तक गर्म करते हैं जब तक वह प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाए। प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, प्लाज्मा स्टेट में एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है और वह क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में सूट कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं। और जैसे ही वह पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि जब भी कोई पार्टिकल, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल
एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वह हेलिकल मोशन करने लगता है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड में इस चार्ज पार्टिकल को एंटर कराते हैं तो यह चार्ज पार्टिकल हेलिकल मोशन करने लगता है, हेलिक्स बनाते हुए आगे बढ़ने लगता है। यह मैग्नेटिक फील्ड में अभी कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है या फिर वहाँ जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है। तो चार्ज पार्टिकल क्या चाहता है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाऊँ। अब बाहर आने के लिए वह क्या ढूंढेगा, जैसे आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि चलिए बाहर आइए, तो आप क्या ढूंढेंगे कि दीवार कहाँ से कमजोर है और मैं दीवार को तोड़कर बाहर आ जाऊँ। बिल्कुल इसी तरह चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आना चाहते हैं तो वह क्या ढूंढेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कमजोर है और उसको तोड़कर बाहर आ जाएं। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर वीक है, बीच में। तो चार्ज पार्टिकल बीच में जाते हैं लेकिन उनके इनर्जिया की वजह से वो आगे बढ़ जाते हैं, वह आगे चले जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड फिर से स्ट्रांग हो गई। तो वह वापस से बीच की तरफ बढ़ते हैं लेकिन इनर्जिया की वजह से वह फिर से नहीं रुक पाते हैं, फिर से स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और यह प्रोसेस चलती रहती है। एक चार्ज के साथ, दो चार्ज के साथ, लाखों चार्जेस के साथ ऐसा होता है। सब चार्जेस यहाँ पर घूम रहे हैं, यहाँ पर एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है, बट वो इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं आ सकते। यह बिल्कुल ऐसा हो गया कि हमने एक बॉटल में पानी भरा, पानी हिलता तो है, एक जगह से दूसरी जगह मूव तो करता है लेकिन वह उस बॉटल से बाहर नहीं आ सकता। तो सारे चार्जेस इस मैग्नेटिक फील्ड में घूमते रहते हैं लेकिन इसके बाहर नहीं आ पाते, उसमें ट्रैप हो जाते हैं, यह इसमें ट्रैप हो गए और इसको हम क्या बोलेंगे, बॉटलिंग, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की बनी हुई बॉटल। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक बॉटलिंग। इस मैग्नेटिक बॉटल के अंदर हमने किसको अरेस्ट किया, प्लाज्मा को, चार्जेस को। अब इस मैग्नेटिक बॉटल के अंदर चार्जेस की बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई तो उसमें हमने एक न्यूक्लियर बॉम्ब चला दिया। न्यूक्लियर बॉम्ब में कितना टेम्परेचर कर दिया, 10^7 degrees। टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये हाइड्रोजन आपस में फ्यूज़ होने लगेंगे और फ्यूज़ होकर हीलियम बन जाएंगे और हमको और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और उसको किस तरह से यूज़ करना है यह हम पर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल कौन सा लगा कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं तो वह उसमें कैद हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले आपने यह न्यूज़ जरूर सुनी होगी कि चाइना ने आर्टिफिशियल सन यानी कि नकली सूर्य बनाया है। वह कैसे बनाया है, जो सब अभी मैंने आपको समझाया उसमें और इसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। चाइना ने जो सन बनाया है वह बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, वह मैग्नेटिक बॉटलिंग के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। उसमें भी प्लाज्मा को मैग्नेटिक फील्ड में कैद किया गया है। इनफैक्ट जो सब अभी मैंने आपको समझाया बिल्कुल सेम प्रोसेस चाइना ने की है। जो सब अभी मैंने आपको बताया इससे आप मैग्नेटिक बॉटलिंग का पूरा कंसेप्ट समझ चुके होंगे। और अगर आप मैग्नेटिक बॉटलिंग को समझ गए हैं तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि चाइना ने आर्टिफिशियल सन कैसे बनाया। कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम यही है, लेकिन उसके पीछे की पूरी साइंस क्या है, मैग्नेटिक बॉटलिंग। मैग्नेटिक फील्ड में प्लाज्मा को स्टोर किया गया है और उसको काफ़ी हीट किया गया है, इस तरह चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाया है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अगर मैं आपको इसे डायरेक्टली चाइना के बनाए हुए आर्टिफिशियल सन से समझाता तो आपको इसको समझने में प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैंने आपको इसे मैग्नेटिक बॉटलिंग से समझाया। आई होप अब तक आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को आगे अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए। साथ ही साथ यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली साइंस से रिलेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।